नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां हाईवे NH-74 पर अतिक्रमण की जद में आई दुकानों पर एक बार फिर JCB का पंजा चला। भारी फोर्स के बीच अधिकारियों को व्यापारियों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा, लेकिन NH अधिकारी SDM मुक्ता मिश्रा और CO ने हाईवे चौड़ीकरण का हवाला देते हुए दुकानदारों की एक नहीं सुनी, जिसके बाद भारी पुलिस बल की सहायता से प्रशासनिक अधिकारियों ने भीड़ को तितर बितर कर दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान काशीपुर हाईवे किनारे एक तरफा लगभग 70 दुकानों पर JCB चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें, पिछले दिनों भी NH और नगर निगम की टीम काशीपुर हाईवे किनारे बनी अवैध दुकानों को तोड़ने आई थी, लेकिन दुकानदारों के गुस्से और जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षेप के बाद 20 तारीख तक कार्रवाई को टाल दिया था और दुकानदारों को खुद दुकानें हटाने का फरमान भी जारी कर दिया गया था, जिस पर अमल करते हुए सोमवार को दोबारा एक बार दल बल के साथ प्रशासन की टीम ने तोड़ने की कार्रवाई की और सभी स्तर दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। प्राइम न्यूज 24 के लिए अनुप झा की रिपोर्ट। आज NH-74 पे NHAI के द्वारा अतिक्रमण तोड़ने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें अभी काम जारी है। लगभग 60 के अराउंड दुकानें टेम्पररी स्ट्रक्चर टूट चुके हैं, कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर भी तोड़े जा रहे हैं। अभी कार्यवाही चल रही है। कंप्लीशन ऑफ वर्क।